नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसको कि आप स्मॉल कैप स्टॉक भी कह सकते हैं और पैनी स्टॉक भी कह सकते हैं। दोस्तों दोस्तों जो ये स्टॉक है ये रिलेटेड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 साल या 2 साल से कंटिन्यूअसली डाउनफॉल चल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों जो ये कंपनी जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस कंपनी के शेयर में भी डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा पिछले 2 सालों में। दोस्तों वहीं अगर हम देखेंगे दोस्तों पिछले 5 सालों का इसका डेटा तो आपको काफी अट्रैक्टिव लगेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे सेंसेक्स के साथ कि सेंसेक्स ने पिछले 5 से लेकर 10 सालों में किस तरह के रिटर्न दिए हैं और इस स्टॉक ने किस तरह के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों शायद ये मेरा पहला वीडियो रहेगा जिसके बारे में, या पहला स्टॉक रहेगा जिसका कि मैं एनालिसिस कर रहा हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 922 करोड़ रुपए से ऊपर का। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 23.15। तो इसको दोस्तों आप पैनी स्टॉक भी कह सकते हैं या आप इसको स्मॉल कैप स्टॉक भी कह सकते हैं। दोस्तों 52 वीक का हाई बनाया था दोस्तों इसने अपना 62.40 का, और 52 वीक का लो बनाया दोस्तों 21 का। यानी कि दोस्तों ये कंपनी अभी अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रही है जहां पे कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। दोस्तों अगर आपको ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है या आपको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका प्राइस की अभी लो हो। दोस्तों इसका करंट पी देख लेते हैं। दोस्तों पी चल रहा है 13.14 का, जो कि मेरे थ्रेशोल्ड जो मैं 25 मानता हूं दोस्तों उससे काफी नीचे है। डिविडेंड यील्ड यहां पे देख लेते हैं दोस्तों 4.10% की इसकी डिविडेंड यील्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों जो मेरा थ्रेशोल्ड है दोस्तों डिविडेंड यील्ड का, मैं 1% मानता हूं कि किसी भी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड हो वो 1% से ज्यादा का हो। यहाँ पे तो मुझे दोस्तों 4 गुना डिविडेंड यील्ड मिल रही है, यानी कि 4.10% इसकी डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों बुक वैल्यू है दोस्तों इस कंपनी की 12.91 रुपीज। आरओसी देख लीजिए दोस्तों 48.60% है। दोस्तों आरओसी इसका इतना अच्छा है दोस्तों ऑलमोस्ट 50% के करीब है। और आरओई दोस्तों मेंटेन कर रहा है ये 29.43% का। और साथ ही साथ मैं दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि पिछले 5 सालों का आरओसी इस कंपनी का 30.48% है। यानी कि अगर 5 सालों का एवरेज निकाला जाए तो इसका आरओसी है दोस्तों 30.48। ये कंपनी का जो आरओसी और ये आरओई दोस्तों रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पिछले साल के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए। लेकिन जो एवरेज मैंने आपको बताया वो पिछले 5 सालों का एवरेज है इसका 30.48%। दोस्तों सेल्स की ग्रोथ में देख लीजिए दोस्तों कि कितनी ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में, 19.35% की ग्रोथ हुई है। दोस्तों चलिए दोस्तों इस कंपनी का नाम आपको पहले बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है दोस्तों जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दोस्तों जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है। और क्या ये मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, ये सस्पेंशन स्प्रिंग बनाती है। और इंडिया की दोस्तों ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सस्पेंशन स्प्रिंग बनाती है। और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ये तीसरे नंबर पे है सस्पेंशन स्प्रिंग बनाने में। दोस्तों तो आपको खुद आइडिया हो गया होगा दोस्तों कि ये कितनी बड़ी कंपनी है जो कि सस्पेंशन स्प्रिंग बनाती है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दोस्तों इसका अच्छा है, 1000 करोड़ के करीब है। दोस्तों मैं आप लोगों को यही इंसिस्ट करता हूं कि जब भी आप स्मॉल कैप स्टॉक या पैनी स्टॉक की तरफ जाएं तो उनका देख लीजिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 400-500 करोड़ का हो। दोस्तों तो ये तो रहा दोस्तों इसका फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कंपनी का नाम क्या था, ये क्या काम करती है और इसका फाइनेंशियल डेटा क्या क्या है। दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों इस चैनल के सारे अपडेट्स जिससे कि आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को इनकरेजमेंट मिलता है जब कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हमारे वीडियो पे लाइक करता है, कमेंट करके कहता है कि एनालिसिस अच्छी थी, हमें वीडियो अच्छा लगा, तो हमें इनकरेजमेंट मिलता है दोस्तों और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों तक अच्छे अच्छे वीडियोज पहुँचाने के लिए। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों का रिटर्न इस कंपनी ने किस तरह का दिया है। दोस्तों देख लेते हैं 2015 में ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों लगभग 22 रुपये पर शेयर के करीब, और अभी ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों 23 रुपए पर शेयर के करीब। दोस्तों तो यानी कि अगर 5 साल का हम फ्लैट
इसका रिटर्न देखें तो ज्यादा रिटर्न इसने नहीं दिया है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न भी दोस्तों नहीं दिया है। वहीं हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, जब स्मॉल कैप अपने पीक पे थी, स्मॉल कैप का अच्छा टाइम चल रहा था, 2015 में ये ट्रेड कर रहा था 22 रुपए पे, और 2018 मिड में ये आ गया दोस्तों 100 रुपीज के करीब। यानी कि अगर किसी इन्वेस्टर ने 2015 में 1 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो 2018 के मिड में दोस्तों उसे मिल जाते 5 लाख रुपए, यानी कि टोटल 400% का रिटर्न और 5 गुना उसके पैसे हो जाते दोस्तों। कितने साल में? केवल 3 साल में ही। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, वो बताते हैं कि अगर कोई भी कंपनी आपके पैसों को 3 साल में डबल कर देती है, यानी कि आपको 2 गुना रिटर्न देती है, तो वो काफी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे तो दोस्तों इसने 3 साल में 5 गुना रिटर्न दिए हैं, 400% के रिटर्न दिए हैं दोस्तों। लेकिन 2018 के बाद जो ये डाउनफॉल हुआ है दोस्तों, ये एक डाउनफॉल तो ये है कि जितनी भी स्मॉल कंपनियां हैं वो कंटिन्यूअसली गिरती चली जा रही हैं 2018 के बाद, 2017-18 के बाद। और साथ ही साथ दूसरा रीजन ये है दोस्तों कि पिछले 1-2 सालों में ऑटो इंडस्ट्री काफी डाउन चल रही है दोस्तों। ये 2 रीजन है दोस्तों इसके। तो ये तो रहा दोस्तों इसका 5 साल का डाटा कि 5 साल में इसकी क्या क्या अर्निंग रही है। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं सेंसेक्स के साथ कि किस तरह के रिटर्न इसने दिए हैं सेंसेक्स के कंपेरिजन रीजन में दोस्तों। तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि पिछले 3 सालों में हमारे सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है दोस्तों 1.21% का, वहीं इस कंपनी ने रिटर्न दिया है दोस्तों 46.69% का माइनस में दोस्तों। यानी कि अगर 3 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते 1 लाख रुपए, तो वो अभी लगभग बन जाते दोस्तों 50,000 रुपए, यानी कि -50% के रिटर्न लगभग इसने दिए हैं। अब थोड़ा सा लंबा व्यू ले जाते हैं दोस्तों, 3 साल में नेगेटिव रिटर्न इसलिए दिए हैं, एक रीजन ऑटो इंडस्ट्री डाउन है, दूसरा रीजन स्मॉल कैप डाउन है। अब देख लेते हैं 10 सालों का डेटा दोस्तों। 10 साल पहले दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो यहां देख लीजिए कि कितने परसेंट उसे रिटर्न मिले हैं दोस्तों। 142% से ज्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है अगर 10 साल पहले किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता। वहीं सेंसेक्स को देख लीजिए दोस्तों, ओनली 67.32% के रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में, और हमारे इस कंपनी ने दिए हैं दोस्तों 142। सेंसेक्स से भी 2 गुने से भी ज्यादा रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं पिछले 10 सालों में दोस्तों। तो ये रहा इसका सेंसेक्स के साथ कंपेरिजन दोस्तों। ऑटो इंडस्ट्री की कंपनी है दोस्तों, ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, जिस तरह से मैंने बताया ये क्या बनाती है, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सस्पेंशन स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया की, और पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 3 में आती है दोस्तों ऑटोमोटिव सस्पेंशन स्प्रिंग बनाने के फील्ड में दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इसकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल डेटा, 5 सालों का रिटर्न, और साथ ही साथ सेंसेक्स के साथ कंपैरिजन दोस्तों। तो ये मैं ये एडवाइस करूंगा दोस्तों कि अभी स्मॉल कैप में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे शेयर मार्केट में दोस्तों अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। जब ये वोलेटिलिटी थोड़ा सा हट जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, तब आप लोग अब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अभी क्या कीजिएगा आप लोग कि इन स्मॉल कैप को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना शुरू कर दीजिए, खुद की एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया था दोस्तों, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। किसी भी बाय या किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए या बाय करने के लिए, सेल करने के लिए आइडिया मैं दोस्तों आप लोगों को नहीं देता हूं, और किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप खुद की एनालिसिस कर लीजिएगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत